JKTV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first, then you will get all the new notifications and updates. The JKLF, both the AJK as well as the GB zone, and she's been like a rock side by side with her husband at many of these events, and of course this event is becoming a process. Madam, bahut bahut shukriya aapka ki aapne hame thoda sa waqt diya. Hamari koshish honi chahiye ki jitne bhi khwateen public amal mein aati hain, yakeenan unke liye bahut zyada masail hote hain, bahut zyada unki jo qurbani hoti hai wo mard ki qurbani se nisbatan bahut zyada hoti hai. Aur jaise main aam taur par kehta hu apne mard hazrat ko bhi aur khwateen ko bhi ki jab koi conflict ya tasadum hota hai to safar karne wali aziyat dekhne wali aurat hi sabse zyada dekhti hai, aur jab aman aata hai to aman ki se fayda lena ya aman ke asraat phal dekhna wo bhi aurat hi dekhti hai. To us zameen mein zimmedari bhi aap logon ke upar zyada hai. Main kuch chand sawal puchna chahta hu जिससे हमारे लोगों को ये एहसास हो कि औरत को क्या क्या करना पड़ता है इस मामले में, हकूक की जंग में. तो पहला मैं आपसे सवाल यही ओवरऑल यही पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, यानी कि फ़र्क क्या है कि मर्द जो जद्दोजहद करता है उसमें और जो खातून जद्दोजहद करती है उसमें यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में. थैंक यू सर आपका. ये एक दो तरह का बयानिया है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि औरतें अभी तो बेसिक इसी बात पे बहस यहाँ हमारे यहाँ जारी है कि क्या औरत ये काम कर सकती है या ये नहीं कर सकती है. मतलब तरक्की की तरफ उसको लेके जाना अभी थोड़ा फासले पे है. अभी उसके ड्रेस में ड्रेसेस का है कि वो ये पहन सकती है ये नहीं पहन सकती है, वो घर से इस तरह निकल सकती है ये नहीं निकल सकती, वो कहीं जाएगी तो उसके साथ कौन होगा कौन नहीं होगा. तो शख्सी एक जो आज़ादी है जिस जगह पे वो नहीं है खातून के पास, उस जगह पे एक मूवमेंट के अंदर काम करना एक बहुत तकलीफ़देह अमल है हर लिहाज से. और फिर एक ऐसी मूवमेंट के जहाँ बहुत ज़्यादा मेल शॉनिज़म का शिकार है चीज़ें, और आप बिहेवियर से उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं. आप बिंगा सहाफ़ी तो आप हैं ही, मुबसर के तौर पर भी आप चीज़ों को देख सकते हैं. तो वो भी आपका अपना एक मुशाहिदा हुआ होगा कि क्या मुश्किल हैं औरतों को मूवमेंट्स के अंदर काम करने में. फिर उसके बाद यह है कि यहाँ बात आ जाती है मर्द की इजारादारी की. जिस तरह उसकी इजारादारी अगर घर में चैलेंज होती है तो वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, इसी तरह जब सियासत के अंदर उसकी इजारादारी चैलेंज होती है तो वो वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करता है. इवन इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है कि जिन बुनियादी नज़रियात को बेस बना के वो स्ट्रगल कर रहा होता है वो उनसे भी फिरने के लिए तैयार हो जाता है जब वो देखता है कि उसके मद्दे मुकाबले एक खातून जो है वो अपने नज़रिए के साथ उस कद काठ में उससे आगे जा रही है. तो ये चीज़ें भी मुश्किल का सामना है. उसके अलावा फिर नफ्सियाती आपका एक इशू है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है. सोसाइटी मर्दों को एक्सेप्ट करती है, जैसे अभी इस मार्च के हवाले से ये ताज़ा मिसाल ले लें कि हम इसके अंदर अगर खवातीन मौजूद हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लोग तो अप्रिशिएट कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा तबका ये भी होगा जिसमें खवातीन की तादाद ज़्यादा होगी कि ये वहाँ किस लिए बैठी हुई हैं, इनको इस वक्त घर में होना चाहिए, इनको बच्चों के साथ तवज्जो देनी चाहिए, कि एक गिल्टी फील करने का जो आंसर है वो औरतों के साथ जोड़ा जाता है कि वो बर्दाश्त करें इस तकलीफ़ को कि घर बार जो है उसने छोड़ा हुआ है, वो एक ड्यूटी जो उसके सर पे मौजूद है जिससे वो किसी तौर पे भी पीछे नहीं उसको जो है हटने की दी जाती इजाज़त, वो अपनी वो सारी ड्यूटीज वो जिसमें घरदारी आती है उसको छोड़ के एक मूवमेंट का हिस्सा बनी हुई है. तो इस तरह के एतराज़ हैं. फिर उसके अलावा आपको औरत को जो है वो आगे बढ़ने का जो अमल है उसको रोकने के लिए मतलब कि उसको मुख्तलिफ तरीके से उसकी चीज़ें जो है उसके सामने लाई जाती है, मजहबी एलिमेंट लाया जाता है, कबायली रस्म व रवाज लाए जाते हैं, फिर जो तासुब है
जो बहुत बड़ी बीमारी है मैं समझती हूँ हमारे यहाँ तहरीकों के अंदर वो तासुब है, उसमें इलाकाई तासुब है, बरादरी का तासुब है, उसमें फिर जेंडर का तासुब भी बहुत ज्यादा है, इजाफी तासुब है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए जेंडर का, कि कोई भी अपने काम की बुनियाद पे अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकता है, चाहे वो मेल है और चाहे वो फीमेल है। ये जब फॉर एग्जाम्पल कोई आपको डिस्करेज करता है अल्फाज से, मतलब मर्द भी शायद कहीं आपको ऐसे वाकयात आए होंगे कि जहाँ पे मर्दों ने भी आपको डिस्करेज किया होगा, कि ऐसे भी वाकयात हुए हैं या मौके आए हैं जहाँ पे किसी औरत ने भी आपको डिस्करेज किया हो? होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ एक आपने मिसाल सुनी होगी कि औरत औरत की जो है वो दुश्मन समझी जाती है, जबकि औरत औरत की दुश्मन होती नहीं है। औरत को औरत के मुकाबले खड़ा करने वाला मर्द होता है। वो ये बात तब जरूरी समझता है कि जब वो खुद औरत के साथ लड़ के थक जाता है, वो अपने उससे उसको जेर करने में नाकाम होता है, तो फिर उसके मुकाबले में वो अपनी तैयार करदा किसी और तरह का शिकार लेके उसको करने की कोशिश करेगा। यानी कि आप खवातीन को साथ जुड़ के काम करने की बजाय आप एक को दूसरी साइड पे लगा देंगे, दूसरी को दूसरी साइड पे लगा देंगे, तो वो स्ट्रेंथ बनने की बजाय एक आपको बिखरी बिखरी चीज़ें जो है वो नजर आएंगी, जो कि बदकिस्मती है हमारी। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, डिस्करेज जो है उसमें खवातीन मर्दों के जेर साया जो खवातीन होती हैं वो आपको डिस्करेज करती हैं, जो चीज़ों को समझती हैं, जो ऑन करती हैं हम लोगों को, बींगा मुझे एक पोलिटिकल वर्कर एक्टिविस्ट जो करती हैं, जो शायद ये समझती हैं कि मैं उनकी आवाज़ हूँ, वो बहुत ज्यादा है। वो मैं बिम्बर से नीलम से गिलगित बल्तिस्तान तक, इस दफा मैं स्कर्दू से भी अपना विजिट करके आई हूँ, हर जगह जो मुझे सबसे पहला जुमला सुनने को मिलता है और मेरे लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव साइन है वो ये होता है कि जिस घर में भी मैं जाती हूँ, मैं जब उनके किचन में उनके पास जाके बैठती हूँ, तो जो पहला जुमला मुझे सुनने को मिलता है वो ये होता है कि तायरा बाजी हम आपको जानते हैं, हम आपकी स्पीचेस सुनते हैं, और जो बातें आप करती हैं हम चाहते हैं हम भी वो बातें करें, हम समझती हैं कि जो आप बात कह रही हैं ये तो हमें कहनी चाहिए थी, ये तो हमने उस वक्त सोची थी, ये हमने तब ये कही थी किसी को, मतलब वो सारी चीजें उनके माइंड में कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है, मिलती है बहुत ज्यादा मिलती है। जहाँ तक लेग पुलिंग का और डिस्करेज करने का है वो बहुत थोड़ा है, वो बहुत थोड़ा है, वो इतना थोड़ा है कि आप उनको उसको अहमियत दिए बगैर ही आगे बढ़ रहे हैं। सही है। बच्चे, जाहिर आपके बच्चे भी हैं, उनको मैनेज करना अगर एक लिहाज से देखा जाए फ्रॉम अ प्योरली अवामी मफाद की तनाजर में, कि ये औरत की तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी है कि बच्चे भी साथ हैं, मसलन मेरे भी जाहिर बीवी बच्चे हैं, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं बच्चों को वो स्कूल से निकाल कर वो यहाँ पे आए धरने, हालांकि थोड़ा बहुत मुझे शौक भी है कि मेरी वाइफ भी यहाँ पे हो, वो भी औरतों के साथ काम करे, ऑफ कोर्स ये होता है कि वो शेयर करे ये बर्डन, खैर वो बर्डन वैसे भी माशाल्लाह वो औरतें बहुत ज़्यादा बर्डन वही उठाती हैं घर में, तो मतलब कैसे मैनेज करते हैं, कौन से सवालात आपके जहन में गुजरते हैं, मतलब कोई इसकी कोई किसी किस्म की तनकीद भी आती है इस मौजू पर, हालांकि बहुत बड़ी कुर्बानी है, हम इसको कुर्बानी के तनाजर में ही देखते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि आप एक इंसानी दिमाग है, आप समझ रहे होते हैं कि एक बंदा किस कर्ब से किस तकलीफ़ से गुजर आया है अपने घर वालों के साथ, एक तकलीफ़ दे उससे सांस में, लेकिन आप समझने जाने के बावजूद भी फिर भी उसको ऐसा तंज करेंगे कि उसको वो तकलीफ़ महसूस होगी, ये चीज़ें बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। और फिर ये जो है घर बार छोड़ के बच्चों को साथ लेके, ये बहुत मुश्किल है एक खातून के लिए भी, मर्द के लिए भी मुश्किल है। अब जितने मर्द यहाँ बैठे हुए हैं ये अपनी घर वाले बीवी बच्चों कुछ लोगों के डिफरेंट स्टोरीज हैं, जैसे कि किस कोई बेटी अपने बाप के साथ बहुत अटैच है, उसका बाप इतने दिन से यहाँ बैठा हुआ है, तो जाहिर है वो एक तकलीफ से गुजर ही होगी, वो एक अलग स्टोरी है। बाज़ लोगों की अपने पार्टनर अपनी वाइफ के साथ आइसोलेशन है, वो नहीं दूर रह सकते, उनसे बीवियाँ भी हैं, जाहिर है वो एक ह्यूमन वो है, तो वो भी बर्दाश्त कर रही हैं, एक एहसास बच्चे कर रहे हैं, माएँ सबसे ज़्यादा जो माएँ हैं बहनें हैं, अभी हमारे घर से जो रोज़ाना की फ़ोन कॉल्स आती है वो डॉक्टर साहब की बहनें और उनकी अम्मी जो वो एहसास दिलाती हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। सेम स्टोरी सबके साथ है। लेकिन एक औरत को चूंकि जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा दिलाया जाता है बच्चों के और फैमिली के मामले में, और उसको गिल्टी ज्यादा फील करवाया जाता है कि तुम जिम्मेदार हो, मर्दों का तो काम है वो तो घर से बाहर जिंदगी, वो तो मर्दों का तो काम ही घर से बाहर रहना है, तुम किस लिए घर से बाहर हो, तो वो एहसास दिला दिला के उसको ज्यादा तकलीफ में मुबतला किया जाता है। दो तीन और छोटे छोटे सवाल, जो यहाँ पे मर्द जो एक्टिविस्ट होते हैं मुख्तलिफ जमातों के या फर्ज करें जे के एफ में जिसमें आपका तल्लक है,
इनके बीवियां, बेटियां, माएँ वगैरह, बहनें, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता होगा, तो सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि वो इतने एक्टिव क्यों नहीं हैं, या मतलब वो आपकी तारीफ़ करती होंगी कि चलो आप कर रही हैं, ये क्या सिनेरियो है औरतों का, औरतों के साथ क्या वो बात होती है? ये ऐसा है कि जब मैंने 2012 में अमान साहब ने जब मुझे पार्टी के अंदर, मैं उनके उस पर शामिल हुई, तो उस वक्त JKLF के अंदर वुमेन विंग जो है वो मुअत्तल था। मेरे आने के बाद 3 साल बाद उसको बहाल किया गया। 2015 में अमान साहब ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया, मुझे उसका कन्वीनर बनाया। लेकिन उसके बाद फिर मेरे ख्याल में जो ये हमारे हैं लीडरान, या जो उनकी परेशानी में इजाफा हो गया, वो इस तरह से, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा लंबे अरसे से इसके अंदर, 40-45-80 साल उम्रें हो गई हैं, तो वो उनका उसी तरह का एक टाइम पीरियड है इसमें काम करने का। अब इशू ये हुआ कि वो अपनी वाइफ्स को शुरू दिन से साथ नहीं रख सके इस काम के अंदर। अब जब मैं आई अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे काम करना मैंने शुरू किया, तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पिंच करती है कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो जाहिर है उन्होंने शुरू से उनकी ग्रोथ नहीं की मेंटली, अपने घर की खवातीन की उनको एतमाद नहीं दिया, उनको साथ नहीं मिलाया, तो वो चीज भी एक उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अभी भी इस माशरे में ये खला है, होना चाहिए। दो और सवाल, मेरा भी जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। जाए इसके कि आप उन हवातीन को जो लीड करने के लिए आ गई है उनके साथ जोड़ें, आप उनको उनसे सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू बहुत ज़बरदस्त है, जब आप उनके घर में जाते हैं तो उनके घर की हवातीन जो हैं वो उनके अल्फाज ये होते हैं कि ये जो काम आप कर रही हैं ये आप ही कर सकती हैं, हम भी चाहती हैं हम ये काम करें, लेकिन हमारे घर वाले हमें इस पीस प्रोसेस में या इस में शामिल ही नहीं करते हैं, उनके उन्होंने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी अलग से डाली हुई है घर की, तो हम उसी में ही, तो ये चीज़ का एहसास मैंने बार बार आके दिलाया इनको अपनी स्पीचेस में, शिरकत करके जुलूसों में, कि जितने आप लोग यहाँ मर्द बैठे हुए हो, फर्ज करें आपकी बीवियाँ भी इसी तरह कुर्सियों में आपके साथ बैठी हुई हो, तो ये स्ट्रेंथ कितनी बड़ी हो जाए, डबल हो जाएगी। आप बहन को नहीं ला सकते, आप भाई अपनी माँ को नहीं ला सकते, ज़ाहिर है उसके और भी उनकी अथॉरिटी के अंदर मर्द हैं जो जिन पे उनकी, जिन मर्दों की उन खवातीन पे अथॉरिटी है, लेकिन वाइफ जो है वो आपका पार्टनर है, वो आपके निकाह में है, उसकी जैसे आप नान नुफके की जिम्मेदारी आपने ऊपर ली हुई है, हर तरह की जिम्मेदारी आप समझते हैं कि उस औरत की आपके ऊपर है, तो फिर पॉलिटिकल वे में उसको साथ लेके चलने की जिम्मेदारी आप क्यों नहीं अपने ऊपर लेते? इंस्पिरेशन के तौर पर यहाँ लोकली कोई ऐसी फीमेल, या बाहर दुनिया आलम में कोई ऐसी फीमेल जिसे आप इंस्पायर हुई हो? मैं इंस्पायर हूँ, मैंने बेनज़ीर की स्ट्रगल बगैर उसके नज़रियात के उसको बहुत अप्रिशिएट किया हमेशा, बेशक वो सरमाया दाराना उसके साथ ही, लेकिन बींग अ वूमेन एक वो रोल मॉडल थी। कमला बासिन है, फेमिनिज्म की बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर, अरुंधति राय है वो मेरी मोस्ट फेवरेट है, फिर उसके अलावा जो हैं पाकिस्तान के अंदर आसमा जहांगीर थी जो कि उसका शिकार हुई, उसके अलावा भी बहुत सारी खवातीन हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, वो मैं उनसे इंस्पायर हूँ, मैं उनको पढ़ती हूँ। उसके अलावा फिर कुर्दिस्तान के अंदर जो इस वक्त गुरीला वार लड़ रही है, उसकी जो खवातीन अपने उन लड़कों के साथ, मर्दों के साथ जो इस वक्त जंग का हिस्सा है, हथियार उठा के छोटे छोटे बच्चे उठा के मदर फीडिंग जो बच्चे, वो मेरा आजकल के इस दौर में यहाँ धरने में बैठे हुए मैं रोज़ उनकी तस्वीरें देखती हूँ, और वो मुझे आप समझे कि इतनी बड़ी वो मुझे पावर मिलती है उनको देख के, इतना बड़ा एहसास होता है अपने बच्चों को, वो भी सेम हमारी तरह साथ लेके बैठी हुई होती हैं, फीड करवा रही होती हैं बच्चों को, और एक हाथ में उन्होंने गन पकड़ी हुई होती है, यानी कि जब उनकी उन्होंने ये देखा कि गुरीला उसमें हमें शामिल होना है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, तो वो उसके लिए बाहर आई। फिर अलजायर की जो फ्रीडम मूवमेंट मैंने लिबरेशन जो फ्रंट उसका मैंने पढ़ा सारा, तो अलजायर की जो खवातीन थी उन्होंने फ्रीडम उसके अंदर जो हिस्सा लिया प्रोसेस के अंदर, वो बहुत मेरे लिए इंस्पायरल था सारा। उसके अलावा फिर पूरी दुनिया में अब तो खवातीन आगे बढ़ के बहुत सारे अपने गोल्स जो है अचीव कर चुकी हैं, हम एशिया वालों का ये अभी तक है मसला कि हम जो है बेसिक राइट्स ही अभी तक अपनी खवातीन को नहीं दे सके, तो हम उनको इंस्पायरल रोल अदा करने के लिए सोसाइटी में आगे कैसे जो है वो लाएंगे? आखिरी सवाल ये है कि वैसे तो इस वक्त तक अमली तौर पर मर्द और औरत के दरमियान माशरे में इक्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो ज़ाहिर है मर्द भी इस्तेमाल कर सकता है, औरत भी इस्तेमाल कर सकती है, ज़ाहिर घर में भी इस्तेमाल कर सकती है। क्या मेरा सवाल ये है कि क्या अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए, मर्द बेहतर तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट में सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है, औरत ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रही है, उसके असरात इन चीज़ों के ऊपर कुछ
آخری کچھ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایز اے ٹول میڈیا کا ہمیں ملا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمیں مل گیا اب پھر وہ سب کی ایکسیس میں بھی ہے اب ڈیپینڈ آپ پہ یہ کرتا ہے کہ آپ شعوری طور پہ کیا اس قابل ہیں کہ آپ اس کو ایز اے ٹول استعمال کر سکیں آپ اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ استعمال کریں گے آپ اس کو ایز اے انفارمیشن کا ایک ذریعہ بنا کے استعمال کریں گے تعلیم کے لیے استعمال کریں گے یہ اب انسان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کی اس کی روزمرہ کی روٹین ہوگی وہ سوشل میڈیا کو بھی اسی لحاظ سے کرے گا یعنی مثال کے طور پہ عورتیں وہ بہتر استعمال کر رہی ہیں یا مرد یا کوئی ایسا ڈیفرنس نہیں عورت کا ایک یہ ایلیمنٹ ہے کہ ایک خاتون ہے اگر تو وہ سوشل میڈیا اپنے نام اپنے فیس اپنے اس سب سے استعمال کر رہی ہے تو وہ توجہ کا مرکز بن جاتی ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں ایک یہاں پہ ایک ہے نفسیاتی مسئلہ کہ بھائی ایک عورت نے اگر یہ بات کی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ہم پوزیٹیو وے میں یوز کر سکتے ہیں جیسے میں کرتی ہوں میں اپنی ایک تصویر لگاتی ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑا میسج لکھتی ہوں تو میری یہ ہوتی ہے زیادہ کوشش کہ جو تصویر دیکھے گا وہ اوپر لکھی چیز بھی ضرور پڑھے گا اور پڑھتے ہیں لوگ یہ ایک لوگوں کو چینی کہاوت بھی ہے کہ ایک تصویر 100 الفاظ سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں ایک بہت بڑے مارچ کے اندر اپنا بازو ایسے کر کے تو میں ویو کرتی ہوں تو اس کا اثر مینٹلی لوگوں پہ خواتین پہ بیسیکلی بہت اچھا اس کا اثر پڑتا ہے اس لحاظ سے میں پرسنلی اس کو اس طرح سے یوز کرتی ہوں اور خواتین کرتی بھی ہیں زیادہ تر یوز لیکن پھر بھی ہے کہ اس میں بھی مردوں کا ایک موجود ہے وہ کھل کے لکھ نہیں سکتی بول نہیں سکتی اپنے فیس کے ساتھ وہ فیس بک کا استعمال نہیں کر سکتی تو باقی جو ادر سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں اپنے تو جب تک آپ اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کروائیں گے تو آپ جو مرضی لکھتے رہیں جو مرضی کہتے رہیں کسی کو حق پتہ چلے گا کہ یہ لکھنے والے کے پیچھے کردار کون سا ہے یا لکھنے والے کے پیچھے جو ہے اس کی سوچ جو ہے واقعی یہی ہے کہ جو اس نے وہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو ابھی سوشل میڈیا کا استعمال تو سب کر رہے ہیں لیکن اس کا اتنا مؤثر طور پہ ابھی بھی وہ نہیں کر پا رہی خواتین جو کہ ان کو کرنا چاہیے زبردست بہت شکریہ طاہر توقیر صاحبہ تھینک یو ویری مچ مہربانی جے کے ٹی وی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت یہاں پر میڈیکل کیمپ لگا دیا گیا ہے یہاں پر یہ میڈیکل کیمپ راولاکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے یہاں پر آئے باویانا چیروٹی ویلفیئر یہاں پر یہ کیمپ لگایا گیا ہے جس میں شاہد صاحب جو ہے وہ ڈاکٹری کا ہولڈ سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں جنہوں نے یہ کیمپ مل کر یہاں پر لگایا ہے جی ان سب کی موجودگی میں ہمارے ایک سیر حال گفتگو یہ بتاتے چلے کہ قاری نصیر صاحب جو میڈیا کو مخاطب کر رہے ہیں یہ دیکھنا ایک شارے پہ یہ ایک مقبول بات شہید کے قافلے کے لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک شارے پہ اٹھتے ہیں ورن یہ دیکھیں جی ہاں یہ دیکھیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا قاری نصیر صاحب اپنی قوم کا تعارف کروا رہے ہیں کہ کیسے یہ لوگ اشاروں پر کھڑے ہونے والے اور کیسے یہ بیٹھنے والے مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے قیادت سے باہر نہیں ہیں جو فیصلہ قیادت کرے گی وہی یہ مانیں گے اور آگے چلیں گے جی ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ ہیں ہمارے یہ اس وقت کہاں سے آئے آپ میں سدرتی بلوچ اچھا کس ٹائم سے کب آئے تھے چار تاریخ سے ادھر ہی ہیں آپ کی عمر کے لوگ تو گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یا ریسٹ کرتے ہیں تو آپ کیسے یہاں پہ ہم تو آزادی پسند لوگ ہیں ہم تو باہر نکلیں گے آگے جائیں گے کنٹرول لائن کے اس سائڈ پہ یہ قوم ہے اس کو کوئی غلام نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ نئی مبلوک کے ساتھ حاضر جسکل کے مقام سے تقریباً رات گئے یہاں پر ابھی لوگ اسی طرح یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس دھرنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح یہاں پر جمع ہیں بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں کوئی تو یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی یہاں تعداد کم نہ ہوئی اور اگر میں کیمرہ میرا اس طرح سے ابھی چلا نہیں پا رہا ہوں یہاں آگے دیکھ سکتے ہیں ہماری خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت یہ میڈیکل کیمپ لگایا ہوا ہے عامر صاحب نے یہ راولاکوٹ باغیانا چیروٹی ویلفیئر کی طرف سے آئے ہوئے آئیے ان سے جانتے کہ کیا کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کیمپ لگایا جی عامر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ باغیانا چیروٹی ویلفیئر
ٹرسٹ کی جانب سے یہاں پہ بہت ڈفرینٹ قسم کی میڈیسن لے کے آئے تھے، کیونکہ یہاں پہ ایک 11 دن سے ہمارے کچھ لوگ جو کشمیر سے جن کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے وائٹ انڈین کشمیر، کرفیو لگا ہوا آج تقریباً پچھلے مہینے میں وہ داخل ہو گیا ہے، اس حوالے سے یہ پروٹیسٹ جاری ہے، چونکہ ہمارا بیسکلی تو یہ ہے کہ ویلفیئر کا ہمارا یہ ایشو ہے کہ اس کو کسی سیاسی مقصد کے لیے ہم نے استعمال نہیں کیا، چونکہ یہ کوئی سیاسی کاز نہیں ہے، یہ ایک قومی کاز ہے اور اس وقت کشمیر کی بقا کی بات ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ ہم آئیں اور الحمدللہ صبح سے ہم نے کافی یہاں پہ موسم چینج ہو رہا ہے، یہاں پہ سردیوں کا دور دورہ آ رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے یہ بہت سارے ساتھی کوئی انفیکشنز میں کوئی گلے کی کوئی ڈفرینٹ ٹائپ میں، تو الحمدللہ کہ ہم نے یہاں پہ سرو کیا ہے صبح سے، اور مزید ہم کوشش کریں گے کہ جو ہو سکا ہماری ویلفیئر کی جانب سے تو ہم یہاں پہ اپنا حصہ ڈالیں گے، اور باقی ویلفیئر کی جانب سے اگر کوئی آدمی کسی قسم کی میڈیسن یا کوئی اور ڈونیشن کرنا چاہ رہا ہو تو وہ ہمارا آفس ہے، ملکی آفس کراچی ٹنگی اور پانیولہ میں، دونوں آفس وہاں پہ وہ I'm standing with Qayyum Raja صاحب who doesn't really need an introduction. He spent about 22 years in various British jails in reference to the murder, the kidnap and murder of an Indian diplomat from Birmingham in 1984. A lot of water has gone under the bridge, and Qayyum Saab managed to what we can describe as defeat Pax Britannica by invoking the powers of the European court, which overruled the Home Secretary in Britain, who kept his punishment, kept his sentencing as private as possible, and it wasn't really a judicial decision but more a political decision. So Raja sahab, hamare log ne bahut sari qurbaniyan di hain jaan maal izzat ki, bahut sare log marne ke liye zyada taiyar hain aur kam log hain jo jeena jeene ke liye taiyar hain us andaaz mein jis tarike se hum apni riyasat ko ba ikhtiyar aur azad کر سکیں. تو اس زمن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی ہم نے غلطیاں کی ہیں اس سفر میں ان غلطیوں کو ہم سیکھ پر توجہ دے رہے ہیں، ہم کچھ سیکھ رہے ہیں ان سے، یا ابھی بھی ہم اسی انفنٹ سٹیج پہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں جی کہ ہماری جو تحریک ہے اس کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سب سے جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آزاد کشمیر کے اس وقت جو لوگ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت مقبوضہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہیں وہ تو ان پر کرفیو نافذ ہے اور وہ تو بیچارے ایک قسم کی جیل میں ہیں، لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو اس وقت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی کال پر یہاں ان کے ساتھ آئے وہ کسی شخصیت کی کال پر نہیں آئی، وہ ایک نظریے کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ پر یہاں آئے. انہوں نے نظریہ سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے کہ یہی ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ہم ریاست جموں کشمیر کے جو مختلف حصے ہیں ان کو دوبارہ اکٹھا کر کے ان کی وحدت کو بحال، یعنی ریاست کی وحدت کو بحال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بات جو ہے یہ تو پازیٹیو بات ہوئی نا. جو نیگیٹو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈور اب بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے جو پیچھے کچھ قوتیں ہیں وہ ان کو چلا رہی ہیں، اور دیکھ لیں کہ آپ نے کچھ سنا ہے یہاں پر کہ آج بھی یہ لوگ انہی ہی لوگوں کو اپنا سفیر مانتے ہیں، انہی ہی لوگوں کو اپنا وکیل مانتے ہیں جو اس ریاست پر قابض ہیں. اب ہماری بات میں اور ان کی بات میں فرق یہ ہے، اسی وجہ سے یہ ہے کہ وہ بعض اوقات بعض سٹیج پر جو ہے وہ ہماری بات سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ ہے،
ये जो कहते हैं कि ये आजाद है और वो जो है वो मकबूजा है, ये एक ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी की पूरी जो रियासत है वो मकबूजा है, और हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मुल्क है जिसको इन्होंने अपना वकील बनाया हुआ है। सही सही। तो ये जो सेंसिटिव बातें हैं, क्योंकि माशरे के अंदर जाहिर है अगर हम पूरी रियासत को देखें तो ऐसे भी लोग होंगे जो कट्टर राइट विंग हिंदू बयानिया के कायल या उससे मुतासर लेते होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप राइट विंग इस्लामिक, वैसे लफ्ज इस्लामिक इस्तेमाल करना शायद कहीं लिहाज से मुनासिब भी नहीं है, लेकिन वो जो अनासर जो बज़ाहिर इस्लाम या मुसलमानों की जो है ना सुपेरियरिटी या इस बुनियाद पर जो चीज़ें आगे ले जाते हैं, अब हम ने इन हर मुख्तलिफ बयानियों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कंसेंसस और पब्लिक पॉलिसी उसी सूरत में बनेगी कि आवाम के अंदर एक वाज़ेह कंसेंसस हो, ना सिर्फ अल्फाज या बयानिया के तौर पर बल्कि अमली तौर पर जो पॉलिसी के लिए जो तकाजे हैं उन पर भी लोगों का कंसेंसस हो। यही बात है ना, देखें कि आज भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का भी एक नाम लिहाज सफारती शोबा है, ठीक है, और जो तंजीमें हैं उनके भी सफारती शोबे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किसी की कोई इनपुट नहीं है आलमी सतह पर, ठीक है, इंसानी हकूक की तंजीमें भी जो हैं वो कश्मीर के नाम पर बनी हुई हैं, सही है, सही है। लेकिन वापस आकर सब जो है वो या तो फेसबुक पर जो है ना वो खिताब करते हैं, या फिर जो है वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से खिताब करते हैं, जा, जा, जा। जो आलमी बिरादरी है उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा है, वो वही बार बार पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे हैं। अब देखिये, मैं ईरान में था तो ईरान ने जो है वो बिल्कुल अपनी जो वाजिया जो लाइन है वो दी है, और उन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात की है, ठीक है, और उन्होंने करबला में जाने वाले 4 करोड़ अफराद के काफला के कंधों पर जो है वो बैग लगाए हैं, उस पर कोई ना तो उन्होंने इलाके पाकिस्तान लिखा है ना कुछ और चीज़ लिखा, उन्होंने सिर्फ कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात की है। और ईरान ने पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है जो करारदाद वहाँ मंजूर हुई है वहाँ बात की है, वहाँ जम्मू कश्मीर की बात हुई है। अब भी वो जो है देखें उनकी ये बड़ी मेहरबानी है ईरान वालों की कि हमने जो है वो उनको कोई इतना बड़ा हमने कैंपेन नहीं किया ईरान में, वो खुद ब खुद जो है वो हमारी तहरीक को अपनी यानी अपना इखलाकी फर्ज समझ कर जो है वो हमारी हमायत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि इस सब कुछ होने के बावजूद दुनिया हमारे हक में किस तरह बोले कि जब हम हमारे नुमाइंदे यहाँ पर बोलते हैं तो वो कहते हैं जी के सफीर हम कोई और हमारा हमारी सिफारिशकारी करे, कोई और हमारी वकालत करे, इनके मलकियत साजी के ऊपर लोग तैयार नहीं, ठीक है, वो लोग वो ममालिक चाहे वो पाकिस्तान है चाहे हिंदुस्तान है चाहे कोई भी है जो रियासत जम्मू कश्मीर को हड़प करना चाहते हैं वो हमारा वकील कैसे हो सकता है। ये सही बात है। आखिरी सवाल विच बी इन इंग्लिश, गिवन दीज इंटरनल वीकनेसेस दैट वी हैव डिस्पाइट द ओवरराइडिंग सेंटीमेंट दैट हैज बीन ग्रोइंग सिंस द 5th ऑफ अगस्त, वी हैव सीन demonstrations in Sydney, Australia, we've seen demonstrations in Texas, in the United States, we've seen demonstrations in Oslo, and we've seen demonstrations in South Africa and many many cities in between, and we saw the biggest demonstration in favor of Kashmir in Dhaka in Bangladesh of all places, and in England we are finding out that on a daily basis somewhere in any public space in front of a university, in front of a local council, there is some sort of activity taking place. So we, this initiative of the JKLF is riding on a lot of momentum that has been generated globally. International media has also started giving us attention since Saghir Khan Saab's call on the 7th of September. So we've got a lot of things going in our favor, but what I'm looking at as an internal working in the field there is these nitty-gritty internal problems that we have, that some of us, as you very rightly have said, that some of us are still relying on someone else who is a liability in every sense for us. How can we make sure that our message to the world gets stronger and stronger by the day, and how do we work on rebuilding this internal mechanism which will be our strength? Ultimately, that internal mechanism, if we are able to develop it, that is what will ultimately give us strength, and it will give us the representative status of this society that we've been looking for. How would you look? First of all, unless we talk ourselves, about ourselves, about our issues, about our problems, the world is going to be confused. Yes. Okay. Yes. The world, our narratives, the Kashmir narrative, has not been promoted. Yes. And we haven't tried hard enough to promote the Kashmir narrative.
So as unless the Jammu Kashmir narrative is developed, the world will just think as in the past, yeah, that it is a fight between India and Pakistan, yeah, and some Kashmiris are on Pakistani side, some Kashmiris are on the Indian side, yeah, and that's it. Yeah. So they are, the world is going to say, well, okay, is India in our our interests, yeah, secured by with India or with Pakistan? Yes, so yes, if we Kashmiris represent ourselves internationally, yeah, then the world is going to look at it as a moral issue, yeah, yeah, for themselves. Sure, sure. And unless we do that, it will continue. The Kashmir blood will continue to bleed, yeah, and result will be nothing. Right. One last very question. Yesterday, two people, one an MP by the name of Raja Muhammad Yasin of Samani originally, and the MP of Bedford. He addressed this audience yesterday, as did Philip Bennion, who's an MEP, a member of the European Parliament, and he has a very large constituency, as the European Parliament gives, and is the whole of West Midlands. Now, Mr. Yasin Saab, he said yesterday that, you know, he gave the what I describe as the British Sarkari Bianiya, you know, the British state narrative, which is India and Pakistan must do something, you know? So Britain is still hiding behind Indo-Pak bilateralism, and we have seen, even Farooq Haider has said on many occasions that our solution is not in Indo-Pak bilateralism. Right? He is still maintaining that line for someone who is probably free himself. Okay, I understand. Yeah, yeah. Look. Yeah. What is and that? He also said, this is one last thing, yeah, he said to close this Dharna that you have done a lot. Okay. We are giving the blood. Yeah. But our movement is being controlled by Pakistan. Yeah. Pakistan is being controlled by Britain and America. Yes. Okay? Yes. And their bottom line is to divide Kashmir. Yes. Yes. So that's yes, it. That's all. Absolutely. Okay. Thank you. मेरे साथ मौजूद है जनाब नासिर साहब, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 10 दिन से हैं, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इन खिदमतें की हैं इन्होंने यहाँ पर लोगों की। जी नासिर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें लाइव लिया। मैं यहाँ पे 4 अक्टूबर को जब यहाँ पे धरना का आगाज़ हुआ मेंबर से, तो हजीरा से मैं शामिल हुआ, और मैं यहाँ पे जो आपने सवाल किया कि यहाँ पे हमारी क्या खिदमत हैं, खिदमत की तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कश्मीर की आज़ादी का मसला है और इसमें हम अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आज 10 दिन से यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया हुआ जो आपकी सामने, और यहाँ पे एम्बुलेंस भी मेरी NGO की तरफ इनर वाइस डायरेक्टर ट्रस्ट का, मैं पाकिस्तान का वाइस प्रेजिडेंट भी हूँ। तो इसमें हम यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगा रखा है, मेरे कुछ मैं दोस्तों को साथ रख के मेरा जस्मा देना यहाँ पे, और प्लस जो यहाँ पे मैं धरने पे पैकेज भी दे रहा हूँ, जिसमें जूस वगैरह और मुख्तलिफ फल वगैरह भी हैं जो आप रोज़ आप यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पे 10 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख भी रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे कोई भी बीमार हो जाए या कुछ तरह का इशू हो तो यहाँ पे हॉस्पिटल में भी लेके जा रहे हैं। और प्लस ये है कि मैंने इस बार फर्स्ट टाइम जब आज़ादी का मसला है, तो मैंने सोचा कि अगर इस आज़ादी के लिए अगर मैं किसी और जगह भी अपने आप को एडजस्ट कर सकूँ, जो मेरे ताकि इसमें मैं मेरे को और मेरी मिलत को फ़ायदा हो, तो उसमें मैंने जो आपको बताया कि मैंने लाइव जो चला रहा हूँ, तमाम दुनिया देख रही है, ये मेरा मैसेज जो दुनिया तक, इस कश्मीर का मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुँच रहा है। तो ये चीज़ें थी जो मैं कर सकूँ वो मैं कर रहा हूँ। अजीब बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त कारी निसार साहब जो है वो कंटेनर के करीब पहुंच चुके हैं, और बड़ी तादाद में लोगों को लेकर ये कंटेनर की तरफ आए हैं, और लोग ये देख सकते हैं इस वक्त स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, आजादी के नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, आजादी के नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, और क्या नारे हैं ये, हम इस पार भी लेंगे आजादी, इस पार भी लेंगे आजादी, ये तमाम स्टूडेंट इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, लिखना नहीं JKTV। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेब,
अहमद साहब, आइए इनसे जानते हैं ये धरने के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ये यहाँ पर इतने दिनों से क्या खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर धरने वालों की। जी सोहेब साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हम क्या, हम नाचीज़ क्या किसी की खिदमत करेंगे? बस धरने के हवाले से यही कहेंगे हम कि देखें, जो हमारा मेन मकसद था धरना देने का या LOC की तरफ मार्च का, कि दुनिया हमें इग्नोर कर रही थी, वो रही थी। अब इस धरने की वजह से ये हुआ कि इंटरनेशनली हमें कवरेज मिली, अब इंटरनेशनल जो मीडिया है उसके नुमाइंदे यहाँ आ रहे हैं, हमारे कायदीन से इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हम साइड लाइन हुए हुए थे, वो जो हमें साइड लाइन किया जा रहा था इंटरनेशनली दोनों मुल्कों की तरफ से, अब वो हम नहीं हो रहे। और श्रीनगर के लोग क्या चाह रहे हैं, जम्मू के लोग क्या चाह रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी कामयाबी है इस धरने की। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया जिस कुल के मुकाम से, नईम JKTV, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कश्मीर होगा तो ये मतलब मुल्क बचेगा, तो इदारे भी होंगे, हम भी होंगे, आप भी होंगे और सियासी जमातें। तो मैं इस हवाले से मतलब ये भाई भी हैं साथ, तो अगर काइंडली आप देख लें, हम जस्ट ऑब्जर्व करें। TV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first, then you will get all the new notifications and updates.